तो ये वाला जो सीज़न है, जो पैंडमिक जो बोलते हैं, COVID-19 पैंडमिक जो हुआ है, उसके द्वारा हमको कोई यूरिनरी सिम्टम्स होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, वो एक आम जनता को आने वाला वो जो एक क्वेश्चन है। कोरोना का जो वायरस का जो आरएनए जो बोलते हैं, जो यूरिन में नहीं पाया गया है, तो बट वी हैव ऑलरेडी जो पेशेंट्स का सिम्टम्स है, जो कोरोना मरीज को यूरिनरी फ्रीक्वेंसी या इरिटेबल ब्लैडर, जैसे मतलब बार बार जाना पेशाब, ये प्रॉबली ब्लड के द्वारा जो वायरस स्प्रेड होके जो पेशाब की कोतरी में ब्लड के द्वारा इरिटेशन करके इनको इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। ये जो कोरोना मरीज़ में और एक चीज़ होता है, जैसे इम्यूनिटी जो कम हो जाता है, उसके साथ उनको डायबिटीज़ भी है या कुछ और बीमारी है जो इम्यूनिटी कम करता है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब ये छोटा यूरिनरी इन्फेक्शन जो आराम से बढ़ सकती है, किडनी तक आसान से पहुंच सकता है। किडनी में बहुत तरीक़े का, आइदर इट कैन बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बन सकता है या फंगल इन्फेक्शन भी बन सकता है या किडनी में, एंड किडनी को जैसे हम बोलते हैं किडनी को बहुत आसान से खा सकता है। तो ये कोरोना में और एक चीज़ होती है, जो ब्लड वेसल में ब्लॉकेज होता है, जो कोरोना के चीज़ है, जो व्हाट वी कॉल इट एज थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस मतलब रक्त नाल को ब्लॉक करने का, वैसे वाला ब्लॉक होके किडनी किडनी ही नुकसान में पहुंच के किडनी अपने आप मरने का चांस रहता है, जो हमको वो किडनी को निकालना पड़ेगा। ये ऐसे भी चीज़ हो सकता है बिकॉज ऑफ द रेसिस्टेंस पावर जो वीक होता है ये कोरोना वायरस का मरीज में। विद ओवर 1 लाख मेडिकल एक्सपर्ट्स एंड द फैसिलिटी टू टेलीकंसल्ट, experience clinic-like consultations on practice.